Hi everyone, hope you all must be doing great. I have uploaded a video yesterday regarding CA Intermediate November 2019 taxation examination. This is a series jahan par hum log discuss karenge chapter wise questions and answers including MCQs bhi. To kal humne salary start kiya tha, maine kaha tha hum 10 se 12 questions discuss karenge aur uske baad hum baaki ke chapters par bhi switch over karenge. So this is now question number 2. मैं डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दे रहा हूँ, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो का लिंक और दूसरा आपकी फाइल जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे रिगार्डिंग सैलरी. आप डाउनलोड कीजिए, ये वीडियोस आपको हेल्प करेंगी आपकी प्रेजेंटेशन इम्प्रूव करने में और सबसे ज़्यादा आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बनाने में. ये एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ होंगी जहाँ पर मैं पूरे क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा, उसके प्रोविजन्स में डिस्कस करूँगा और उसके बाद में वीडियो के एंड में आप पूरी प्रेजेंटेशन इस क्वेश्चन की देख सकते हैं. सो आई होप दैट यू विल फाइंड दीज वीडियोज़ एन्जॉयबल एंड एट द सेम टाइम फुल ऑफ लर्निंग. चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ सैलरी. यहाँ पर लिखा हुआ है और मैं जैसे ही हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन पर जंप कीजिए और जब आप क्वेश्चन करना शुरू करें तो नेक्स्ट पेज से कीजिए और ऊपर लिख दीजिए दैट यू आर डूइंग आंसर नंबर 2. तो हियर मिस्टर मुकेश इज एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड. ही इज़ अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई. एबीसी कंपनी लिमिटेड में वो काम करते हैं एज अ फाइनेंस मैनेजर. गिव्स यू द लिस्ट ऑफ परक्यूजिट्स प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू हिम फॉर द एंटायर फाइनेंशियल ईयर 18-19. सो वी हैव बीन गिवन सम परक्यूजिट्स 1, 2, 3, 4, 6 तक ये परक्यूजिट्स दिए गए हैं. तो दीज परक्यूजिट्स आर प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉई मिस्टर मुकेश हु इज़ वर्किंग एज अ फाइनेंस मैनेजर. क्वेश्चन ने ये 6 परक्यूजिट्स दिए हैं और इसके बारे में पूछा क्या है. बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो वट द क्वेश्चन इज एक्चुअली डिमांडिंग फ्रॉम यू. काफ़ी स्टूडेंट्स क्वेश्चन पर जंप कर देते हैं और एकदम करना शुरू कर देते हैं और ये नहीं देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है. So this is very important not only in taxation paper but in other subjects as well. So question mein agar main last line dekhta hu to question mein likha hua hai state the taxability or otherwise of the above said perquisites. Iska matlab kya hota hai state the taxability or otherwise? Ye otherwise ka matlab kya hota hai? Otherwise ka matlab hai ki aapko batana hai ki kya ye perquisites. Pehle to likha hua hai state the taxability. Aapko pehle to ye batana hai ki whether this perquisite is taxable or not. और अदरवाइज का मतलब है और नॉट, वेदर इट इज टैक्सेबल और नॉट ऑफ द अबव सेड परक्यूजिट. सो यू हैव टू स्टेट अबाउट द टैक्सेबिलिटी एज वेल एज कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ टैक्सेबल परक्यूजिट्स. और आप अगर वो परक्यूजिट टैक्सेबल है तो आपको बताना है कि उसकी कितनी वैल्यू टैक्सेबल होने वाली है. सो इन दिस केस यू डोंट हैव टू कैलकुलेट द टोटल इनकम ऑफ सैलरी बट फॉर एवरी टाइप ऑफ परक्यूजिट यू हैव टू गिव योर कमेंट्स whether it is taxable or not मतलब or otherwise. और second अगर वो taxable है या नहीं है तो उसके reasons देने और उसके amount भी देना होगा कि how much value you will tax. So coming to the first one which says medical facility given to his family in a hospital maintained by the company. बस यहाँ पर ही ख़त्म हो गया ये तो. Maintained by the company. You understand about medical facility that if it is given to the employee or to his family members, his or her family members, and it has been given, the employee or his family member is being treated in a government hospital. Agar uska treatment government hospital mein hua hai, such perquisite is exempt. Second, we know ki agar uska treatment employer owned hospital mein hua hai, या उसके फैमिली मेंबर का तो भी एग्जेम्प्ट है. तो सेकंड वाली बात यहाँ पर फिट हो गई है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल था और खर्चा कितना भी हुआ हो दिस इज़ एन एग्जेम्प्ट परक्यूजिट. सो फॉर फर्स्ट यू विल राइट दैट इट इज़ नॉट टैक्सेबल बिकॉज द फैसिलिटी इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द फैमिली मेंबर द एम्प्लॉय इन अ हॉस्पिटल विच इज़ मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर. आप इसकी प्रेजेंटेशन भी कुछ इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं. सो कमिंग टू द सेकंड वन. अच्छा मैं फर्स्ट पूरा कर देता हूँ एक बार, वैसे तो हमें पता चल गया कि वो एग्जेम्प्ट है. फर्स्ट में ये लिखा हुआ था द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बेनिफिट बिकॉज ऑफ सच फैसिलिटीज 40,000. मतलब ये फैसिलिटी दी गई और अगर ये कहीं और से ये बेनिफिट लेते, अगर ये कहीं से और ट्रीटमेंट कराते तो 40,000 का खर्चा होता. बट वी नो चाहे 40,000 का खर्चा होता या 4 लाख का खर्चा होता, if it is the hospital is maintained by the employer
then it is a exempt perquisite. Coming to point number 2, which says domestic servant was provided at residence of Mukesh. Salary of domestic servant is 1500 per month. The servant was engaged by him and the salary is reimbursed by the company. दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एक डोमेस्टिक सर्वेंट मुकेश के यहाँ पे काम कर रहा है और दिस डोमेस्टिक सर्वेंट इज एज्ड बाय मिस्टर मुकेश, ये मिस्टर मुकेश ने इसको एंगेज करा हुआ है और उसकी सैलरी कंपनी रीइंबर्स करती है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिटेल में जाना चाहूँगा। वी हैव डन, अगर आपको याद है, सैलरी के लिए हमारे 3 सेक्शंस होते हैं, 15, 16 एंड 17। ये थोड़े से याद भी होने चाहिए, 15, 16, 17। 17-1 इज सैलरी, मीनिंग ऑफ सैलरी। 17-2 इज परक्यूजेट। आई एम रिपीटिंग, जिन बच्चों को ये याद नहीं है थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिए। 17-2 इज परक्यूजेट्स, परक्यूजेट्स यहाँ पर काफ़ी सारे आते हैं, उसमें से एक मेन परक्यूजेट्स है 17-2 clause 3 में। 17-2-3 में कुछ 5 परक्यूजेट्स लिखे हुए हैं, लाइक मोटर कार फैसिलिटी, और ये डोमेस्टिक सर्वेंट भी वहाँ पर ही लिखा हुआ है। तो मैं बात कर रहा हूँ 17-2-3 की, वहाँ पर 5 परक्यूजेट्स हैं और वो परक्यूजेट्स सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में ही टैक्सेबल होते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, 17-2-3 में जो परक्यूजेट्स आते हैं वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में ही टैक्सेबल होते हैं। ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कौन होते हैं, मैंने कल की वीडियो में वो डिस्कस किया था, आज जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ। अगर एम्प्लॉय डायरेक्टर है तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो जाएगा। सेकेंड, अगर उसका पास सब्सटैंशियल ओनरशिप है, 20% और मोर वोटिंग पावर है हमारी कंपनी की, तो भी सब्सटैंशियल ओनर हो जाएगा। ये दोनों बड़े रेयर सिचुएशन होती हैं, हर एम्प्लॉय डायरेक्टर नहीं होता, हर एम्प्लॉय के पास 20% और मोर शेयर्स नहीं होते। बट थर्ड एक ऐसी कंडीशन है जो ऑलमोस्ट सभी एम्प्लॉय सेटिस्फाइड कर देते हैं। थर्ड कंडीशन है बेटा, अगर उसकी इनकम अंडर द हेड सैलरी 50,000 और मोर है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, 50,000 या उससे ज़्यादा। अब इमेजिन कीजिए, पूरे साल में 50,000 तो ऑलमोस्ट सभी की सैलरी होती है, तो ज़्यादातर सारे एम्प्लॉयज़ ही स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है ऐसा कि वो नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है तो फिर हम उसको वैसे ट्रीट करेंगे, अदरवाइज वी विल एज्यूम, अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, वी विल एज्यूम दैट ऑल एम्प्लॉयज़ आर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। एंड दिस एम्प्लॉय मिस्टर मुकेश इन दिस क्वेश्चन, ही इज़ अ फाइनेंस मैनेजर, उसकी सैलरी कितनी होगी, लगभग 40-50,000, 60,000, 1,00,000 रुपये महीना होगी, तो पूरे साल की तो ऑब्वियसली 50,000 से ज़्यादा है, तो वी आर एज्यूमिंग दैट ही इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉई। अब मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, 17-2-3 में कुछ 5 परक्यूजेट्स लिखे हैं, लाइक मोटर कार फैसिलिटी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर बिल एंड दिस डोमेस्टिक सर्वेंट। 17-2-4, आई एम अगेन रिपीटिंग, दिस इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बातें कर रहा हूँ। 17-2-4 में जितने भी परक्यूजेट्स आते हैं वो सभी एम्प्लॉयज़ के हाथों में टैक्सेबल होते हैं। 17-2-4 इज टैक्सेबल वेदर द एम्प्लॉय इज एन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय और अ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। 17-2-4 में लिखा क्या है, या बाकी जितने भी परक्यूजेट्स होते हैं वो सभी के हाथों में टैक्सेबल होते हैं। 17-2-4 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, इफ देयर इज एनी ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय विच इज मेट बाय द एम्प्लॉयर तो ये टैक्सेबल होगी। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है, जो एम्प्लॉय की पर्सनल ऑब्लिगेशन है और इसको कंपनी मीट आउट कर देती है, उसका एम्प्लॉयर उसको मीट आउट कर देता है, तो इट बिकम्स 17-2-4 एंड टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स। अब देखिए जरा, लेट्स से आपने कोई कंपनी ज्वाइन करी, फॉर एग्जांपल IOC, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आपको कंपनी ने एक नौकर दे दिया क्योंकि आप मैनेजर हैं, तो प्लीज़ बताइए उस नौकर को, अगर आप कंपनी में काम नहीं कर रहे होते तो नौकर नहीं रखते शायद। सो दिस वॉज नॉट योर पर्सनल ऑब्लिगेशन कि उसको जो सैलरी देंगे वो आपकी पर्सनल ऑब्लिगेशन थी, नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके पास नौकर कैसे आया, क्योंकि यू आर वर्किंग एट दैट पर्टिकुलर पोजिशन इन दैट कंपनी, सो दैट इज नॉट योर पर्सनल ऑब्लिगेशन। और अगर कंपनी ने आपको ऐसा किया है तो दैट इज 17-2-3, वो 17-2-3 में लिखा हुआ है फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। बट इमेजिन कीजिए, आपके बचपन से आपके घर में एक नौकर है रामू काका, और रामू काका आप नौकरी करें या ना करें बट आपको उनको सैलरी देनी देनी पड़ती है, सो दिस रामू काका बिकम्स अ पर्सनल ऑब्लिगेशन।
क्योंकि ये आपने इनको इम्प्लॉय किया था, आपने रखा था इनको, अगर इसके पैसे कंपनी आपको रीइंबर्स करती है तो दैट बिकम्स 17-4. तो देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन 17-3 एंड 17-4. 17-3 में आता है जो अपनी कंपनी हमें फैसिलिटी देती है, 17-4 में आता है हम कंपनी में काम करें या ना करें, दिस इज आवर पर्सनल ऑब्लिगेशन. तो अब जरा इस सेकेंड पॉइंट को पढ़ते हैं. सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, डोमेस्टिक सर्वेंट वॉज प्रोवाइडेड एट रेसिडेंस ऑफ मुकेश. सैलरी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट इज 1500 पर मंथ. द सर्वेंट इज एंगेज्ड बाय हिम एंड द सैलरी इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी. ये सर्वेंट इसने एंगेज किया है और कंपनी इसको पैसे देती है. इट बिकम्स 17-4. 17-4 का मतलब है कि ये पर्सनल ऑब्लिगेशन हो जाती है मुकेश की, क्योंकि मुकेश ने एंगेज किया था. ये रामू काका वाला केस आ गया. सो इट बिकम्स टैक्सेबल इन ऑल हैंड्स. सो वहाँ पर आप लिखेंगे डोमेस्टिक सर्वेंट इज टैक्सेबल. कितना? 1500 पर मंथ इंटू 12. कंप्यूट भी करना है. 18,000 रुपीज यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगा. दूसरी बात, क्योंकि आप यहाँ पर बता सकते हैं दैट दिस सर्वेंट इज एंगेज्ड बाय द असेसी मिस्टर मुकेश, देयरफॉर इट बिकम्स टैक्सेबल. 17-4 अगर आपको याद नहीं रहे तो आप प्लीज़ मत रखिएगा, बट इतना लिख दीजिएगा इट बिकम्स टैक्सेबल. वहाँ पे लिखा हुआ है इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परक्यूसेंट. सेकेंड पार्ट कही, एक और पार्ट है इन केस द कंपनी हैज एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट. बट अगर कंपनी ने डोमेस्टिक सर्वेंट को एंगेज किया होता तो ये 17-3 में आ जाता. जो चीज़ें 17-3 में आती हैं वो तो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के हाथों में टैक्सेबल होती हैं. यहाँ पर हमें ये नहीं दिया गया कि उस क्या फाइनेंस मैनेजर डायरेक्टर भी था कंपनी का या सब्सटैंशियल ओनरशिप था, बट यहाँ पर हम अजम्पशन लिखेंगे कि जनरली एम्प्लॉय दिस. यहाँ पर अजम्पशन ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ अज्यूम्ड दैट मिस्टर मुकेश इज़ अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय. ही मस्ट बी अर्निंग मोर देन 50,000 इन अ ईयर, देयरफॉर ही बिकम्स अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एंड दिस परक्यूजिट विल बी टैक्सेबल स्टिल. तभी भी इसके में टैक्सेबल हो जाता. बट अगर क्वेश्चन में कहीं पर लिखा होता कि दैट मिस्टर मुकेश इज अ नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, अगर ये नॉन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होते तब ये एग्जम्प्ट परक्यूजिट हो जाता, क्योंकि ये 17-3 में कवर्ड है. आई होप दिस इज क्लियर. थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है 17-3 में, 17-4 में. मैं आपसे चाहूँगा कि आप जो भी आपके पास बुक है उसमें से उसको जरा ये पढ़ लें, 17-3 और 17-4 क्या होता है. कमिंग टू पॉइंट नंबर 3, हाँ इसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर देख लीजिएगा आपकी वीडियो के बाद. थर्ड पॉइंट कहता है फ्री एजुकेशन वॉज प्रोवाइडेड टू हिज टू चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन्ड एंड ओन बाय द कंपनी. द कॉस्ट ऑफ सच एजुकेशन फॉर आरती इज कंप्यूटेड एट 900 पर मंथ एंड फॉर अशोक एट रुपीज 1200 पर मंथ. नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड बाय द कंपनी फॉर सच एजुकेशन फैसिलिटी फ्रॉम मिस्टर मुकेश. सो दिस इज एजुकेशन फैसिलिटी. हम एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में तीन बातें जानते हैं. अगर एजुकेशन फैसिलिटी खुद एम्प्लॉय को प्रोवाइड की जाती है तो इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. अगर एम्प्लॉय को खुद, अगर कंपनी ने मुकेश को कोई कोर्स कराया होता इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. सेकेंड, अगर इसके चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है, चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराने के लिए अगर उसकी वैल्यू 1000 से ज़्यादा की नहीं है तो इट बिकम्स एग्जेम्प्ट. अगर 1000 से ज़्यादा है इट बिकम्स फुली टैक्सेबल. कुछ लोगों की ये ओपिनियन है कि वो इन एक्सेस ऑफ 1000 टैक्सेबल करेंगे, बट मैं अभी ICAI के ओपिनियन से जा रहा हूँ. इफ़ द वैल्यू ऑफ दैट परक्यूसेट एजुकेशन फैसिलिटी इज 1000 से ज़्यादा है, इज इन एक्सेस ऑफ 1000, देन इट बिकम्स फुली टैक्सेबल. तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, आरती के लिए 900 पर मंथ है इट विल बिकम एग्जेम्प्ट, और अशोक के लिए 1200 पर मंथ है इट बिकम्स टैक्सेबल. तो 1200 इंटू आप 12 कर दीजिएगा, 14,400 will become the taxable value. Coming to number 4, the employer has provided movable assets such as television, refrigerator and air condition at the residence of Mukesh. The actual cost of such asset provided to the employee is rupees 1,10,000. Yahan par
क्या ये असेट्स इसको बेच दिए गए हैं या सिर्फ यूज करने के लिए दिए गए हैं? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड मूवेबल असेट्स, इसको मूवेबल असेट्स दिए गए हैं, इसने खरीदे नहीं हैं, सिर्फ प्रोवाइड करे हैं हमने। और हम जानते हैं इसकी परक्यूजिट वैल्यू होती है 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द दीज असेट्स। तो एक्चुअल कॉस्ट थी इसकी 110,000, उसका 10% हो जाती है 11,000 वुड बी द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। कमिंग टू नंबर 5, गिफ्ट वाउचर दिया गया है ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। इट इज़ गिवन बाय द कंपनी टू ऑल एम्प्लॉयज अबव सर्टन ग्रेड्स। वी ऑल नो एनी गिफ्ट विच इज़ इन एक्सेस ऑफ 5,000 इज टैक्सेबल। 5,000 से ऊपर टैक्सेबल होता है। दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, या तो पूरा टैक्सेबल कीजिए या इन एक्सेस ऑफ 5,000 टैक्सेबल कीजिए। बेटा मैं ICAI का अगर फर्स्ट व्यू लेता हूँ तो वो कहता है कि पूरा टैक्सेबल कर दीजिएगा। सो हेयर वी विल टैक्सेबल 10,000 पूरा का पूरा, बिकॉज इट इज़ इन एक्सेस ऑफ 5,000। हाँ, अगर कैश गिफ्ट होते हैं, कैश गिफ्ट होते हैं तो इट इज़ लाइक बोनस एंड दैट इज़ फुली टैक्सेबल। गिफ्ट्स इन काइंड आर टैक्सेबल इफ़ द एग्रीगेट वैल्यू इज़ मोर देन 5,000 इन अ ईयर। 10,000 का था, 5,000 से ज़्यादा फुली टैक्सेबल कर दीजिएगा। कमिंग टू नंबर 6, टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ श्री मुकेश एंड द बिल एग्रीगेटिंग ₹25,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर। कुछ परक्यूजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं, लाइक अगर लैपटॉप की फैसिलिटी दी जा रही है, कंप्यूटर की फैसिलिटी दी जा रही है, और एक और टेलीफोन फैसिलिटी एट द रेसिडेंस, क्योंकि वो टेलीफोन हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं कि उसके ऑफिशियल कॉल्स भी हम उस पर कर सकें। तो जितनी ऑफिशियल हैं उतना टैक्सेबल करेंगे क्या? नहीं, ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट होता है। सो दिस वे यू विल बी एबल टू डू योर क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो के एंड में इसकी प्रेजेंटेशन ज़रूर देखें और अपनी प्रेजेंटेशन से कंपेयर करें। थैंक यू सो मच, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।